नमस्ते प्यारे दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आज हमारे बीच में एक महान टीचर आए हुए हैं जिनका नाम सुभाष जी है तथा इनका 40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को पढ़ाने में बीता है। तो आज ये है अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। नमस्कार बेटा, बहुत आज लकी डे है कि मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है। मेरे अपने आप में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मेरे गुरुओं ने मुझे दिया है उसके बारे ही मैं आपको बताऊंगा। ना जनामि योगम जपावनैव पूजम नतोहम सदा सर्वदा शम्भितुभ्यम जरा जन्म दौखाग तात पमानम प्रभो पयापन मामेश शंभो। हे शंभो, ना मैं योग जानता हूँ, ना मैं जप जानता हूँ, ना मैं तप जानता हूँ। मैं तो सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे जन्म तथा मृत्यु के घिरे हुए दुख समूह से दुख से दूर करो, मुझ पर कृपा करो। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज के युग के अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में जो वृद्धि होनी चाहिए वो आज नहीं हो रही। बच्चों के अंदर एकेडमिक नॉलेज जो है जिस स्तर पर होनी चाहिए वो आज नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि शिक्षा के स्तर में चेंज होना। पुराने वक्त में क्या होता था कि अध्यापक और शिष्य दोनों के अंदर एक इच्छा होती थी, अध्यापक के अंदर इच्छा होती थी कि मैंने अपने शिष्य को कुछ देना है, और शिष्य के अंदर एक श्रद्धा और विश्वास होता था कि मैंने अपने गुरु से श्रद्धा और विश्वास के बेस पर मैंने उनसे विद्या ग्रहण करनी है। आज हमारे शिक्षा महकमे के अंदर एक्चुअल शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक कर्मी हैं। जीविका का साधन बन लेने के लिए अपने आप को उन्होंने एक शिक्षा कर्मी के तौर पर काम किया हुआ है। रियल सेंस में उनके अंदर जो जिज्ञासा है, शिक्षा देने की इच्छा है, शिक्षा लेने की इच्छा है, वो बहुत कम है। एक्चुअल शिक्षक वही है जो पहले विद्यार्थी है और बाद में शिक्षक है। जब हमारे पेट के अंदर भोजन नहीं होगा, हमारी जीविका का साधन नहीं होगा, तो हम कैसे शिक्षा देंगे? शिक्षा कर्मी जो है वो 5000 रुपए पर आज नौकरी कर रहा है। बताइए मुझे कि कौन सा ऐसी फैमिली है जो 5 या 4 हजार पर अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी साधन मुहैया करा सकती है। गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा कर्मी के तौर पर थोड़े पैसों पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षा कर्मी थी। गुरु का शब्द उड़ गया, गुरु का शब्द नहीं रहा। गुरु और शिष्य का संबंध कहाँ है? जब शिक्षा को हम कर्मी के रूप में लेंगे, कर्मचारी के रूप में लेंगे, गुरु के रूप में नहीं लेंगे, तो ना तो विद्यार्थी को शिक्षा सही मिलेगी और ना ही एक अध्यापक अपनी शिक्षा को पूरी तरह से दे सकेगा, क्योंकि वो परफेक्ट गुरु नहीं है। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे पेट में रोटी कैसे जाएगी, मैं रोटी कैसे खाऊंगा, मैं जीविका कैसे जुटाऊंगा। वो शिक्षा से हटकर कुछ और सोचता है, क्योंकि उसके कारण पीछे जो है उसकी अपनी जीविका का कारण बना हुआ है। आज के युग में यदि हम ये सोचे कि सही शिक्षा देनी है तो हमें सही अध्यापक, ट्रेन अध्यापक, जिनकी इच्छा हो, जिनकी संपूर्ण इच्छा हो, डेडिकेशन हो, और वो पहले विद्यार्थी बने और फिर शिक्षक बने, और गवर्नमेंट भी उनको फुल ग्रेड पर, पूरे ग्रेड पर, तनख्वाह पर यदि वो साधन मुहैया कराए, सर्विस मुहैया कराए, और वो अध्यापक जो है वो अपने तनदेही से शिक्षा देगा, क्योंकि उसे और चिंता नहीं है, जीविका की चिंता नहीं है। उसे सबसे पहले जीविका की चिंता सताती है कि मेरी जीविका की चिंता है, 24 घंटे उसके ऊपर बोझ है, 24 घंटे उस पर टेंशन है कि मैं टेम्परेरी हूं, मैं कच्चा अध्यापक लगा हुआ हूं, मुझे कोई हटा ना दे, मैं क्या करूं, मेरे अंदर कितना फोर्स नहीं है। बताइए कि ऐसे अवस्था में एक शिक्षक क्या पढ़ा सकेगा? सबसे पहले शिक्षक को शिक्षक का दर्जा देना चाहिए, और शिक्षक जो है वो टेंशन फ्री हो। जब हम गांधी जी ने कहा था
गिव मी गुड टीचर्स आई विल गिव यू गुड नेशन। तो यदि हमारे पास गुड टीचर्स आएंगे, परफेक्ट टीचर्स आएंगे, क्वालिफाइड टीचर्स आएंगे, डेडिकेटेड टीचर्स होंगे, और जो बाय चॉइस प्रोफेशन को, आज एक विद्यार्थी मेडिकल करने जा रहा है, मेडिकल में फेल हो जाता है तो वो शिक्षक बन जाता है, एक इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है विद्यार्थी, इंजीनियरिंग में कामयाब नहीं हुआ, उसे पूछा गया भी, अरे भाई आप शिक्षक क्यों बने, क्योंकि मैं इंजीनियर बनने जा रहा था, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं शिक्षक बन गया। शिक्षक तो वही बनना चाहिए जिसकी चॉइस हो प्रोफेशन में। यदि हम प्रोफेशन को चॉइस के रूप में नहीं अडॉप्ट करते तो हम परफेक्ट शिक्षक नहीं बन सकते। इसलिए ये प्रोफेशन उसको ही चॉइस करना चाहिए, उस कैंडिडेट को चॉइस करना चाहिए जिसके तन मन में श्रद्धा और विश्वास से शिक्षा देने का कार्य करे, तब ही तब हम अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। जहां तक हमारा फर्ज है, शिक्षकों का भी फर्ज है, शिक्षकों का भी फर्ज है, अध्यापकों का भी फर्ज है, चाहे उसे कैसी भी अवस्था में मिले, चाहे जितना कम पैसा भी मिले, फिर भी अपनी तनदेही से विद्यार्थियों को पढ़ाए, क्योंकि विद्यार्थियों के पढ़ाने से जो शिक्षक की ऊर्जा, शिक्षक को ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा कहीं और से नहीं मिल सकती, एक आनंद मिलता है, आनंद पूर्ति होती है। और ये आनंद कहां से मिलता है, जब तनदेही से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को दिल से पढ़ाता है। इतने शब्द कहता हुआ मैं कहूंगा बार बार कि अच्छे विद्यार्थी, अच्छे शिक्षक अच्छे समाज का निर्माता है। यदि हमारे पास अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छी विद्या देंगे, और अच्छी विद्या जो है बच्चों को जाएगी, मॉरल एजुकेशन जाएगी, बच्चे मॉरल एजुकेशन पर ज्यादा जोर देंगे, तब उनको एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं आपसे चंद शब्द गुफ्तगू करूं, आपसे आदान प्रदान करूं। धन्यवाद। मैं भी सुभाष जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं तथा यह यहाँ आए एक सिंपल सी रिक्वेस्ट के ऊपर। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थॉट्स इतनी नेगेटिव हो गई है टीचर्स के रूप में कि जो ये टीचर्स हैं ये तो इन्होंने एकेडमी से ट्यूशन सेंटर खोली है, ये तो हमको लूट रहे हैं। तो उस विषय में एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो परमात्मा है ना, परमात्मा उसने टीचर को इतनी शक्ति दी हुई है कि जब भी कोई स्टूडेंट दिल लगा के टीचर के सामने जाता है तो आधी उसकी शक्ति ऑटोमेटिकली टीचर को ट्रांसफर हो जाती है। तो जो सच्चा टीचर होता है उसे तो सिर्फ श्रद्धा चाहिए अपने स्टूडेंट से। अगर कोई भी स्टूडेंट श्रद्धावान होगा तो टीचर दिल लगा के उसको पढ़ाएगा और एक दिन विद्यार्थी वो काम कर देगा जो दुनिया ने नहीं सोचा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम।